हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम गजराज है और मैं यूकेएम एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो डिफरेंट मीन्स कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अगर हम सेंट्रल लंदन में रहे या फिर जॉन फर्स्ट में रहे तो हमारे लिए कितना एक्सपेंसिव रहेगा। कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा रफ़ आइडिया देने वाला हूँ आज यहाँ पर। तो रफ़ आइडिया मीन्स कि अगर आप जॉन फर्स्ट में रह रहे हो, मीन्स कि आपको आपका ड्रीम है कि आपको लंदन में ही काम करना है, और जैसे कि आपको भी पता है कि मैं लंदन में ही काम करता हूँ जॉन फर्स्ट के अंदर, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रफ़ आइडिया दे दूँ आपको कि अगर आप जॉन फर्स्ट में काम करते हो तो आपको जॉन सिक्स में रहना पड़ सकता है, जॉन फाइव में रहना पड़ सकता है या फिर जॉन फोर में रहना पड़ सकता है, क्योंकि जॉन फर्स्ट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसमें आपको ट्रेवलिंग टाइम कितना लग सकता है, उसका ट्रेवल कॉस्ट कितना लग सकता है, और उनका जो हाउस रेंट है वो कितना लग सकता है, तो और जो ग्रोसरी स्टोर है वो कौन सी आपकी चीफ पड़ेगी, या फिर कौन कौन से आपके जो एफ है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर कौन से ट्रेवल कार्ड है वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो इनके ऊपर मैं थोड़ा सा रफ़ आइडिया देना चाहता हूँ। तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पर लंदन में काम करना चाहता है तो उनके लिए थोड़ा सा रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि अगर हम जॉन फर्स्ट में काम करें लेकिन अगर हम जॉन सिक्स से ट्रेवल करना पड़े तो कितना टाइम लग सकता है। मींस कि आपको जॉन फोर फाइव या सिक्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉन वन तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं पेपर पर समझाऊंगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा आपको। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट जर्नी टाइम फ्रॉम जॉन फर्स्ट टू जॉन सिक्स तो कितना टाइम लगता है उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंड जो हाउस प्राइसेस है वो कितनी है जॉन फर्स्ट से लेके जॉन सिक्स के अंदर, कितना वेरिएशंस या कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हाउस होल्ड बिल्स के अंदर, जो हाउस होल्ड बिल्स है जैसे कि यूटिलिटी बिल्स हो गया, काउंसिल बिल्स, काउंसिल टैक्स हो गया, या फिर नेट का जो है उतना उसका कितना चार्ज लग सकता है, या फिर टीवी का है उसका कितना चार्ज लग सकता है, तो वो सारे बिल्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट ट्रेवलिंग के अंदर कौन से कार्ड है, कौन सा कार्ड आपको हेल्प मतलब बेनिफिशियल से चीप पड़ता है, कौन कौन से ऐप है जो आपको ट्रेवलिंग में गाइडियन ट्रैवलिंग के अंदर गाइड कर सकते हैं, रूट वगैरह कौन सी ट्यूब से आपको लेनी है, कौन सी बस आपको लेनी है, और कौन कौन से ग्रोसरी स्टोर हैं जो आपके लिए चीप पड़ते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसिव है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर फर्स्ट हम स्टार्ट करें तो जर्नी टाइम्स फ्रॉम जॉन फर्स्ट टू जॉन सिक्स, तो इसका अगर हम रफ़ आइडिया लेके चले तो अगर आपको जॉन सिक्स से जॉन फर्स्ट में आना है तो वन आवर हम एवरेज लेके चलते कि वन आवर तो आपको लग सकता है, चाहे आप बस से आए या ट्यूब से। तो ट्यूब से कम टाइम लगता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक वगैरह का कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ट्यूब्स वगैरह जो है वो डिले होती हैं क्योंकि कई बार स्ट्राइक भी चलता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। और बाकी अगर हम रफ़ आइडिया लेके चले तो वन आवर का हमें टाइम लग सकता है अगर जॉन सिक्स से जॉन फर्स्ट में हमें काम करने आना हो। तो आपको जॉन फर्स्ट से जॉन सिक्स में है या फिर जॉन फाइव में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा जो एरिया है वो आउटर लंदन में आते हैं और ये थोड़ा चीप पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है जो कि सेंट्रल लंदन में आता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो कम्युनिटीज़ है, इंडियन कम्युनिटीज़ या पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, ये सारी जो है आउटर साइड में ज़्यादा रहती हैं। जॉन फर्स्ट के अंदर कोई लोग इतने ज़्यादा हमारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर नहीं रहती हैं क्योंकि ये एरिया बहुत ही एक्सपेंसिव है। यहाँ पे इंडियन स्टोर भी कम मिलेंगे आपको, इंडियन रेस्टोरेंट भी कम मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है इंडियन स्टोर, रेस्टोरेंट, हर चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अब्यूंडेड अमाउंट में मिलेगी, जो कि ईजीली एक्सेसिबल है हर चीज़, ठीक है। टिकट की बात करूँ नेक्स्ट, तो अगर बस की बात करूँ तो 1.70 पाउंड्स लगते हैं, मीन्स कि 170 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के अंदर लगते हैं एन आवर के अंदर। अब अगर एक घंटे के अंदर आप कितनी बस चेंज करो उसमें आपका एक बार ही चार्ज लगेगा 1.70। और अगर उसकी अगर मैं ट्यूब्स की बात करूँ, ट्यूब मीन्स कि यहाँ पे जो मेट्रो वगैरह है वो फास्ट चलती है यहाँ पे और इसमें ट्रेवलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें 3.20 इसका चार्ज है। ये सिंगल चार्ज है, मीन्स कि अगर आप वापस यूज करोगे तो वापस अलग चार्ज लगेगा इसका, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ट्यूब्स वगैरह, लेकिन इसका जो ट्रेवलिंग है वो थोड़ा फास्ट है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं लगता इसलिए।
नेक्स्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, नाइट में भी अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो नाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, फिर इसमें थोड़े लेट लेट आती है बसेस वगैरह या जो ट्यूब्स वगैरह है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एवरेज टिकट की बात करें पूरे मंथ की, अगर हम जनरल आइडिया लगाए तो हमारी मंथली एटलीस्ट 13 ड्यूटीज़ होती है पूरे मंथ में। अगर हम एक दिन की बात करें तो 3.20 × 2 तो टोटल 83 पाउंड्स हमारे लगते हैं, तो एवरेज 100 पाउंड्स हमारे हम मान के चल सकते हैं। तो 10,000 रुपये हमारा ट्रैवलिंग चार्ज लग सकता है अगर हम जोन 6 के अंदर है या जोन 5 के अंदर गए तो ट्रैवलिंग चार्ज इतना हमारा लग सकता है। तो 100 पाउंड्स हमें ट्रैवलिंग चार्ज का मान के चलना चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं ऐप की बात करूँ तो कौन कौन से ऐप, अगर मैं ऐप की बात करूँ तो कौन कौन से ऐप हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो वो है सिटी मैपन जो कि गाइड करते हैं कि बस नंबर कौन सी है या ट्यूब का जो नेम है वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट लाइन है, पिकाडिली लाइन है या फिर कोई अदर जो ट्यूब है उसका नाम है, या और उसके अलावा ये टाइम और चार्ज भी बता दीजिए कितने टाइम में आप वहाँ पे पहुँचोगे और कितना इसका चार्ज लगेगा, वो सारी चीज़ें। तो अगर रेंटल प्राइसेस की बात करें तो जोन 1 और जोन 6 में अगर वेरिएशंस देखें तो इसमें 2500 पाउंड्स मीन्स कि 2.5 लाख के आसपास, मीन्स कि 1 पाउंड का हम 100 रुपीज़ भी काउंट करके चलें तो 2.5 लाख के आसपास से लेके इसमें जोन 1 के अंदर चार्ज होता है से लेके जोन 6 के अंदर 1 लेक तक का, मीन्स कि इतना वेरिएशंस होता है। जैसे जैसे आप आउटर एरिया में जाओगे वैसे वैसे आपका जो रेंट है वो कम होता जाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे सेंट्रल साइड में आओगे जो रेंट है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो ये फिक्स प्राइस नहीं है कि आपको 2.5 लाख देनी है, इसमें 1 और 2 बेडरूम इन्वॉल्व होता है, लेकिन जोन 1 के अंदर आपको 2,000 2 लेक के अंदर या फिर 2.5 लेक के अंदर आपको मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है जोन 1 के अंदर। इसलिए हमें दूसरे जो आउटर साइड है उसमें रहना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा चीफ मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बसेस और ट्यूब्स वगैरह है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत ही अच्छा है। मोस्टली जो लोग हैं वो सब आउटर साइड में रहते हैं, जोन 1 में इतना बहुत ही रेयर लोग हैं वो रहते हैं। जोन 1 में काम करने का वो यही है कि आपको इनर जो लंदन अलाउंस है वो मिलता है, इनर लंदन अलाउंस यहाँ पे आपको मिलता है जोन 1 में अगर काम करते तो उसका जो अलाउंस मिलता है वो अराउंड 50,000 के आसपास हमें मिलता है। और बाकी आपको अगर आप जोन 6 में रह रहे हो तो आपको ट्रेवलिंग के चार्ज देना पड़ता है जो कि 100 पाउंड्स अराउंड है, टाइम आपका वेस्ट होता है, मीन्स कि आपको ट्रेवलिंग करना पड़ता है 1 आवर भी अगर हम काउंट करें तो 2-3 घंटे आपके एक्स्ट्रा लगते हैं ड्यूटी के अलावा। अगर ड्यूटी आपकी 12 आवर्स की है तो 14-15 आवर्स आप मान के चलो। तो इतना तो बाहर रहने का वही थोड़ा ड्रॉबैक है, एक तो ट्रेवल चार्ज लगता है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन इनर लंदन में अगर काम करते हैं तो इसका अलाउंस भी मिलता है, आउटर में भी मिलता है लेकिन आउटर में थोड़ा कम मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि ट्रेवल कार्ड कौन कौन से हैं, तो मीन्स ट्रेवल कार्ड भी एक अलग से आता है, फिर एक ओस्टर कार्ड आता है, एक होता है कॉन्टेक्टलेस कार्ड जो कि हमारा ATM जो क्रेडिट जो डेबिट कार्ड वगैरह होता है उसको हम टैप करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये ओस्टर कार्ड ये थोड़ा चीप पड़ता है और ये ज़्यादातर यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और बार बार हम यूज कर सकते हैं, तो ओस्टर कार्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउस होल्ड बिल्स की, तो हाउस होल्ड बिल्स के अंदर अगर जनरल आइडिया हम लेके चले तो काउंसिल जो टैक्स है वो 120 to 160 पाउंड जो है पर मंथ लगता है, मीन्स कि 12,000 से लेकर 16,000 रुपये उसमें जो आपका काउंसिल टैक्स लगता है। काउंसिल टैक्स में क्या आता है, एक तो आपकी फायर सर्विसेज आती है, अगर आपके घर में कोई भी किसी भी तरह की फायर इमरजेंसी है तो हुआ उसको रिजोल्व करते हैं, आपका जो कूड़ा कचरा है वो उसको लेके जाते हैं, पुलिस सर्विसेज है, इस तरह की सर्विसेज इसमें इंक्लूड हैं काउंसिल टैक्स के अंदर। नेक्स्ट यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो इसमें गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और वाटर हो गया, तो इसका जो पर पर्सन है अगर मान के चले तो 35 पाउंड्स पर मंथली इसमें लगता है, मीन्स कि 3,500 रुपये के आसपास। इंटरनेट की बात करें तो 15 पाउंड्स, ये अलग अलग सिम में अलग अलग इसका जो है चार्ज अलग अलग है। टीवी लाइसेंस की बात करें तो ये 12 पाउंड्स इसमें टीवी के पर मंथ हमारा चार्ज लग जाता है, इसमें हमारे जो जो चैनल हमें चाहिए उस तरह के चैनल हम ले सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हाउस होल्ड बिल्स जो जितना हम एवरेज इतना मान के चल सकते हैं। तो कई बार जो रेंट, अगर रेंट आपका 1500 पाउंड्स है तो फिर उसमें एक्सक्लूडिंग ये सारे बिल्स आते हैं, मीन्स कि ये सारे जो चार्ज हैं ये आपको अलग से देना पड़ते हैं। ज़्यादातर केस के अंदर ये
इन्वॉल्व नहीं होता, ये अलग से चार्ज हमें देना पड़ता है, जैसे हम यूज करते हैं उस हिसाब से हमें देना पड़ता है। तो रेंट के अलावा ये सारे बिल जो नॉर्मली हमें देने पड़ते हैं, तो ये 200 हम मान के चल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ग्रोसरी है वो अलग से आती है, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ए फॉर रेंटल मार्केट, तो कौन कौन से ऐप है जो हमें रेंट के लिए हमारे लिए सर्च करने के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। तो आपने वैसे भी आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐप है जो रहे यहाँ पे, मींस कि जुपला हो गया, राइट मूव हो गया, ऑन द मार्केट, ओपन रेंट एंड गमट्री। सो ये जो एप्लीकेशन है ये हेल्प करती है कि कौन से रूम अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है और किस कितना रेंट है, तो वो यहाँ पे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी रूम वगैरह चाहिए तो हमें एक या दो महीने पहले से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे अकोमोडेशंस का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आता है, अकोमोडेशंस बहुत मुश्किल मिलता है। तो स्पेशली अगर आप फैमिली हो, बच्चे के साथ में हो, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और हर कोई बच्चे के साथ अगर आप हो तो हर कोई देता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे का प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे जो है वो नॉइज़ करते हैं, मीन्स कि रोते रहते हैं, तो फिर उनको डिस्टर्बेंस वगैरह होता है, या फिर तो उनका थोड़ा वो या फिर देते हैं लेकिन फिर ज़्यादा चार्ज लगाते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो घर ढूंढना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं ग्रोसरी स्टोर्स की बात करूँ, तो ग्रोसरी स्टोर जो फेमस ग्रोसरी स्टोर है यहाँ का, वो है आज़दा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीफ है। अगर मैंने यहाँ पे एक पाउंड एरो का लगाया, मीन्स कि ये थोड़ा चीफ है, ये इससे ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव है, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आज़दा की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट वन है, मीन्स कि बहुत ही सस्ता मिलता है यहाँ पर। और फिर आता है टेस्को, मोरिसंस, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आज़दा के कंपेयर्स में। फिर सेंसबरी है, फिर ओकेड है, जो कि थोड़ा कॉस्टली है। फिर वेट्रोस की बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कूप हो गया, ये भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो आज़दा है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट वन है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। बहुत बड़ा स्टोर होता है, मॉल की तरह हमारे डी मार्ट वगैरह वैसा होता है वैसे ही। तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ा जनरल रफ आइडिया मिल जाएगा कि ग्रोसरी स्टोर कौन से चीफ पड़ सकते हैं, या जो ट्रेवलिंग कार्ड है वो कौन सा लेना पड़ सकता है, या फिर अगर हमें हाउस लेना है तो उसके लिए कितने दिन पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है माइंड, क्योंकि हाउस थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। दूसरा जो है वो ट्रेवलिंग का थोड़ा दिक्कत आता है कि जोन फर्स्ट और जोन सिक्स में हमें ट्रेवलिंग का कितना टाइम लग जाता है, कितना हमारा खर्चा आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि 3.20 उसका ट्रैवलिंग चार्ज लग सकता है, या फिर उसके हिसाब से हम मंथली काउंट कर सकते हैं, फिर हमारा जो रेंट है उसको प्लस कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा यूटिलिटी बिल्स, काउंसिल टैक्स और सारे जो एक्स्ट्रा बिल्स है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बाद हमारा ग्रोसरी बिल इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारा बिल हमें इंक्लूड करके एक रफ आइडिया हम ले के चल सकते हैं, तो इससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमारा कितना एक्सपेंसेस हो सकते हैं अगर हम बाहर रहे तो वो सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगेगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।